ओके फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेट मॉर्निंग। जैसा हम सभी जानते हैं आज क्लास नंबर 4 है। इस क्लास में कुछ नई बातों के ऊपर और चर्चा करेंगे हम लोग और नई बातें और जानेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़ें बहुत ही प्यारी सी कोटेशन, वैसे इस पर्सन को शायद आप जानते हो, थॉमस एल्वा एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। ऐसा कहा जाता है कि बल्ब के आविष्कार के दौरान करीब करीब 10,000 टाइम्स फेल हो 9,999 टाइम्स फेल हो गए और 10,000 जो टर्म था उस टर्म पे वो पास हो गए और उन्होंने बल्ब का आविष्कार कर लिया। वैसे उनसे कभी किसी ने एक सवाल पूछा कि आप 9,999 टाइम्स फेल हो गए, कैसा महसूस कर रहे हो? तो उन्होंने कहा, मैंने बल्ब के आविष्कार के दौरान 9,999 वो तरीके निकाल लिए हैं जिस तरीके से बल्ब नहीं बनते हैं, तो ये मेरा फेलियर नहीं है, ये मेरी सक्सेस है। ये 9,999 टाइम्स जो मैंने ट्राई किया, इस ट्राई के दौरान जो प्रॉब्लम्स फेस की वो मेरे तरीके हैं, ये सक्सेस है मेरा, ना कि वो मेरा फेलियर है। तो डियर, हम सभी अपने फेलियर से भी बहुत कुछ सीखते हैं। ये बहुत प्यारी सी कोटेशन कहते हैं कि जीवन में असफल हुए कई लोग वे होते हैं जिन्हें इस बात का आभास भी नहीं होता कि जब उन्होंने हार मान ली तो वे सफलता के कितने करीब थे। बस नेक्स्ट वन स्टेप ही तो आगे बढ़ना था और उनको सक्सेस मिल जाता, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया कि नहीं यार छोड़ रहने दे और हार मान ली। आप जानते हो, एवरेस्ट पे चढ़ने वाला सबसे पहला इंसान कौन था? एडमंड हिलेरी। फर्स्ट टाइम वो असफल हो गए, ऐसे ही जब एक कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे थे अपने दूसरे साथियों से बात कर रहे थे तो वहां पे एक एवरेस्ट की फोटो लगी थी और उन्होंने एवरेस्ट की तरफ ऐसे इशारा करते हुए कहा कि तुम्हारी ऊंचाई 29,203 फीट है और इससे ज्यादा तुम नहीं उठ सकते, और मैं अपनी विल पावर के बदौलत इससे भी ज्यादा उठ जाऊंगा और इससे ज्यादा उठ के दिखाऊंगा मैं। और ये विल पावर थी जो सेकंड टाइम जब वो पहुंचे तो दुनिया गवाह है कि बिल्कुल फतेह कर ली उन्होंने। तो डियर, लाइफ में कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि बस कहता है बस यार अब नहीं, और बस वही तो वक्त होता है जब दोबारा गिर के उठना होता है, क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है वो भी सोचे गिरने के बाद बस यार मेरे को चोट बहुत लगती है मैं नहीं उठ सकता अब। तो हम में से हर इंसान इस दुनिया में हैंडीकैप्ड होते हैं, कोई चलना नहीं जानता। हम सभी चलते इसलिए हैं क्योंकि बार 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 गिर गिर के सीखा है हमने। तो यार असफलता तो हमने बचपन से ही शुरू कर दी ना। आप कहते हो कि असफलता कहां से आ सकती है यार, फेलियर तो स्टार्टिंग से ही आपने किया ना, कि गिरे फिर उठे, फिर गिरे फिर उठे और सीखा और हम चलते हैं। सीखने का यही प्रोसेस होता है, ऐसे ही सब सीखते हैं, फेलियर के सक्सेस, फेलियर सक्सेस। आइए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और कुछ नए टॉपिक्स के ऊपर आज वाली क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। बट पिछली क्लास में मैंने कॉन्सेप्ट्स आपको बताए थे जिसमें आपको घर से रिवाइज करने को बोला था और मैंने कहा था कि बुक को एक बार रीड करके आना है। क्या मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप सभी ने रीड किया होगा? ओके ग्रेट। चलिए टॉपिक लिखिए आज का। आज का टॉपिक क्या? मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, अलोंग द डिमांड कर्व और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। हिंदी में कहते हैं मांग वक्र का मांग वक्र पर चलन या मांगी गई मात्रा में
परिवर्तन। कई बार एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन आया है और इसमें अगर हम देखें तो दो टॉपिक के ऊपर हमें चर्चा करनी होती है नॉर्मली। पहला टॉपिक होता है एक्सपेंशन, लिख लीजिए, इन डिमांड, हिंदी में कहते हैं हम मांग में विस्तार, मांग में विस्तार। और दूसरा है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। कहने का मतलब है इसको बोलते हैं हम लोग मांग में संकुचन। इन दो टॉपिक के ऊपर हमें डिस्कशन करनी है। चलिए तो सबसे पहले टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे एक्सपेंशन। एक मिनट वेट करो, इससे पहले लिखो जरा एक चलो कोई नहीं, टॉपिक लिखो आप एक्सपेंशन इन डिमांड। एक्सपेंशन इन डिमांड, मांग में विस्तार। कब होता है ये? नॉर्मली ये देखने को आता है, ध्यान से देखिए इधर, अभी आपने टॉपिक पढ़ा जिसका नाम था मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व या चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इसमें बेसिकली दो चीजें पढ़ी जाती है, एक होता है एक्सपेंशन इन डिमांड और एक होता है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। नॉर्मली क्या होता है ये देखने में आता है एक्सपेंशन इन डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। अगर किसी भी कॉमोडिटी का प्राइस चेंज हो जाए तो उस केस में जो मूवमेंट होती है डिमांड में, दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन इन डिमांड। इसी तरीके से कॉन्ट्रैक्शन में भी यही होता है, एक में अप होना एक में डाउन होना, बस यही होता है और कुछ नहीं होता। चलिए जरा इसको हम लोग समझते हैं थोड़ी सी डिटेल। जब किसी भी कॉमोडिटी का प्राइस कम हो जाए और प्राइस के कम होने से प्राइस कम हो जाए और इस प्राइस के कम होने से क्वांटिटी बढ़ जाए, दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन। लेकिन एक बात ध्यान रखना है इसमें, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, लिख लीजिए अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अन्य बातें समान रहने पर। कहने का मतलब क्या है कि जब किसी भी कॉमोडिटी का प्राइस डाउन हो जाए और उसकी वजह से उसकी क्वांटिटी बढ़ जाए, दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन। लेकिन ध्यान रहे कि प्राइस की ही बात हो रही है यहां पे, जो दूसरे फैक्टर हैं उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको बताया था मैंने, सबसे पहले क्या बताया था, प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड कॉमोडिटी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, और क्या बताया था, गवर्नमेंट पॉलिसी, सीजन एंड वेदर और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। चलो जी ये भी बताया था, एक फ्यूचर एक्सपेक्टेशन।
तो हमने कहा कि सिर्फ जो चेंज हो रहा है, जो चेंज हो रहा है वो सिर्फ इसमें हो रहा है, और चेंज में भी क्या जो प्राइस है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। बाकी ये जितने भी फैक्टर हैं इन फैक्टर्स में नो चेंज। कोई चेंज नहीं हो रहा, इसी को बोलते हैं अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। अगर डायग्राम से समझने की कोशिश करें इसको, तो डायग्राम से थोड़ा सा समझते हैं। ये एक्स ओ वाई, यहां पे प्राइस और यहां पे क्वांटिटी, डिमांडेड हिंदी में बोलते हैं मांगी गई मात्रा में परिवर्तन। मतलब क्वांटिटी या मांगी गई मात्रा भी, परिवर्तन नहीं लिखना सॉरी, ये परिवर्तन कहां से लिख दिया, मांगी गई मात्रा। ये अब हम यहां पे अगर ध्यान से देखें, ये सिचुएशन है हमारे पास, ये डायग्राम है, देखिए नॉर्मली ये देखने को आता है कि प्राइस, लेट अस सपोज दैट एक पॉइंट पे प्राइस ये था और इस प्राइस पे ये प्राइस था, इस प्राइस पे ये क्वांटिटी बेचते थे। सपोज करो प्राइस कम हो गया, जैसी प्राइस कम हुआ क्वांटिटी बढ़ जाएगी, होगा प्राइस जैसी पी से पी वन हुआ तो क्वांटिटी क्या हो गया, क्यू से क्यू वन हो गया। पहले हम कौन से पॉइंट पे थे, ए पॉइंट पे थे, अब किस वाले पॉइंट पे आ गए, बी पॉइंट पे आ गए। ठीक है, कहने का मतलब है ये जो डायग्राम बना इस सिचुएशन में अगर हम देखें तो हम इधर की तरफ शिफ्ट कर गए हैं, राइट वर्ड शिफ्ट कर गए हैं, इधर की तरफ राइट वर्ड। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एक्सपेंशन, क्या बोलते हैं हम इसको, एक्सपेंशन। क्लियर है, बना के दिखाओ जल्दी से डायग्राम। हाँ जी, हो गया, बना लिया। सामने देखिए, अभी हमने पढ़ा एक्सपेंशन, बिल्कुल सेम उसका अपोजिट है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, जब किसी भी कॉमोडिटी का प्राइस बढ़ जाए अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, मतलब बाकी चीजें कांस्टेंट रखने पे, और क्वांटिटी कम हो जाए, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। देखो जब प्राइस बढ़ जाए और उसकी वजह से क्वांटिटी क्या हो जाए, कोई चेंज ना आए, दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। मतलब वो प्राइस तो बढ़ जाए
और बाकी चीजों में चेंज ना होने की वजह से क्वांटिटी क्या हो जाए, कम हो जाए। मतलब सिंपल और सीधी सी बात, प्राइस के अलावा बाकी सभी फैक्टर्स सेम है, प्राइस के बढ़ने से अगर क्वांटिटी कम हो जाए, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। डायग्राम को अगर समझें तो लेट अस सपोज दैट ये प्राइस पी था और ये क्वांटिटी थी हमारी। लेट अस सपोज दैट प्राइस पी से पी वन हो गया, जैसी पी से पी वन हुआ क्वांटिटी क्या हो गई, कम हो गई। पहले ए था, अब कहां पे पहुंच गए हो, आप बी पे पहुंच गए हो। इस हिसाब से अगर चेक करोगे तो ये पॉइंट शिफ्ट हो गया आपका, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहे हो आप। इसको बोलते हैं हम कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? पूरा ये पार्ट जो ये वाला पार्ट है वो, और डायग्राम बना के दिखाओ जल्दी। जल्दी डायग्राम समेत सारी चीजें बनाओ। क्या बन गया है? लेबलिंग ठीक से कर लेना। लेबलिंग का मतलब जो चीजें लिखी हुई हैं हमने, वो जरूर होनी चाहिए ठीक से, उसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए कोई भी।
ये जो अभी मैंने आपसे डिस्कस की है उसी की समरी बना रहा था मैं। देखिए मैंने क्या लिखा है यहां पे, मैंने लिखा अगर चेंज इन क्वांटिटी डिमांड को मुझे एक्सप्लेन करना पड़े तो नॉर्मली किसकी वजह से होता है, ये चेंज इन प्राइस की वजह से होता है, ड्यू टू, मतलब ये होता है इस वजह से है, ड्यू टू मतलब होने के कारण। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है, चेंज इन प्राइस की वजह से होता है, प्राइस में चेंज होता है, इसको बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। ये दो हो सकते हैं इसमें, एक हो सकता है डाउनवर्ड मूवमेंट और एक होता है अपवर्ड मूवमेंट। डाउनवर्ड मूवमेंट अगर हो तो इसको बोलते हैं एक्सपेंशन इन डिमांड, और अगर अपवर्ड मूवमेंट हो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रेक्शन इन डिमांड। जो अभी पढ़ा उसी को समरी के रूप में यहां पे दिखाया है। पेपर में कभी कभी क्या है ना, आपसे ये पूछ लेते हैं एक्सप्लेन द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड या मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, तो आप ये टेबल बना सकते हो। टेबल बनाने के बाद आप ये पहला डायग्राम बनाओगे, ये वाला एक्सपेंशन इन डिमांड, और ये पूरी बात बताओगे, और उसके बाद ये बताओगे कब होते हैं अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, एक डायग्राम ये बनेगा, या आप चाहो तो इसको छोड़ सकते हो, फिर ये वाला कॉन्सेप्ट बनाओगे आप कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, ओके, और ये तो आपने पहले ही बता दिया है। और डायग्राम जो बनेगा ना इसका मूवमेंट वाले केस में, ये इकट्ठा बनेगा डायग्राम, कैसे देखो, लेट अस सपोज दैट ये प्राइस और इस प्राइस पे ये क्वांटिटी, मान के चलते हैं कि प्राइस बढ़ गया, जैसी प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी कम। पहले दूसरे वाला बताते हैं, मान लो प्राइस कम हो गया तो क्या क्वांटिटी क्या हो जाएगी, लेट अस सपोज दैट प्राइस पी से पी वन हुआ तो क्वांटिटी क्यू से क्या हो जाएगा, क्यू वन हो जाएगा, बहुत बढ़िया। जैसी प्राइस रिड्यूस हुआ, आप यहां पे देख रहे हो क्वांटिटी हमारी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। अब मान लेते हैं, सपोज करो कि प्राइस जो है वो बढ़ जाए पी से पी टू हो जाए, पी से पी टू हो जाए तो क्वांटिटी क्या हो जाएगा, क्यू से क्यू टू हो जाएगा, कोई दिक्कत, मतलब प्राइस जैसी बढ़ा तो क्वांटिटी क्या हो गई कम हो जाएगी। अगर हम इसको डायग्राम के थ्रू दिखाएं, ये अप्रोक्सीमेटली डायग्राम बनाएं, ये मैच करेगा, ये मान लो ए पॉइंट है, तो यहां पे हम किधर आ गए, नीचे की तरफ, इसमें क्या आ गए, ऊपर की तरफ आ गए। तो आप यहां से बखूबी देख सकते हो कि यहां पे डाउनवर्ड मूवमेंट है और यहां पे अपवर्ड मूवमेंट है, बट हमारा जो डिमांड कर्व है वो सेम है, डिमांड कर्व में कोई फर्क नहीं पड़ा, डिमांड कर्व सेम है। दिस इज कॉल्ड ये एक्सपेंशन, और इसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन। तो अगर एग्जाम में आता है इस टाइप के क्वेश्चन तो सबसे पहले हम इस तरीके से बता सकते हैं कि ये सिचुएशन होती है, उसके बाद हम एक्सपेंशन को बताएंगे, कॉन्ट्रैक्शन को बताएंगे कब होता है, और उसके बाद ये डायग्राम कंबाइंड डायग्राम बनाते हैं उस केस में। हाँ, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के लिए अलग से आता है तो अलग से बताना है। चलिए जरा जल्दी से ये मोमेंट वाला केस नोट डाउन कीजिए। हो गया, वेरी गुड। अगला टॉपिक है हमारे पास, अच्छा
मुझे लगा सारा ही हो गया। बच्चे कह रहे हैं सर हो गया सारा, मतलब हमने नोट कर लिया। हाँ जी पीछे हो गया, डायग्राम बनाइए, फिर डायग्राम बनाओ अपने आप। ये भी इंतजार कराओगे? मैं बताऊंगा? मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। लिख लिया जी, डायग्राम बना, जल्दी बनाओ। फिर डायग्राम पेंसिल से बनाना है, यहां पे कहीं आप इसको लाइटली लेके चलो कि चल कोई नहीं, नीट एंड क्लीन लिखिए। डायग्राम पेंसिल से बनाना है, अच्छे से बनाना है। अगला टॉपिक तब तक मैं लिखता हूं। हाँ जी बन गया क्या? चलो सामने देखो। अगला टॉपिक है शिफ्ट इन डिमांड, जिसको चेंज इन डिमांड भी कहते हैं। शिफ्ट इन डिमांड बेसिकली प्राइस के अलावा किसी और फैक्टर की वजह से अगर क्वांटिटी बढ़ जाए या घट जाए, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड शिफ्ट इन डिमांड। इसके अंदर दो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं इंक्रीज, साथ के साथ लिख लो, इंक्रीज इन डिमांड। हिंदी में कहते हैं मांग, में वृद्धि, और दूसरा है डिक्रीज इन डिमांड। मांग में कमी। लिखा इंक्रीज इन डिमांड। नाम तो बिल्कुल वैसे ही है,
लेकिन फर्क क्या है इसके अंदर वो समझना है हमें। पहला टॉपिक का नाम है इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड, अभी नोट नहीं करना, सिर्फ देखो मांग में वृद्धि। नॉर्मली ये देखने को आता है कि प्राइस के अलावा किसी और फैक्टर की वजह से, प्राइस नहीं, प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ है, जितना पहले प्राइस था आज भी वही प्राइस है, लेकिन उसके अलावा किसी और फैक्टर की वजह से अगर क्वांटिटी बढ़ जाए, इसको बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। थोड़ा सा डीपली समझते हैं इस बात को। हमने कहा यहां पे आप थोड़ा सा सिस्टम बदल देंगे, हमने कहा प्राइस में चेंज नहीं रखना है। अब हमें ये लीजिए, हमने कहा प्राइस में चेंज नहीं रखना है, नो चेंज, बट इसके अलावा इसमें दो पार्ट चेंज कर सकते हैं, लिख सकते हैं हम यहां पे। एक तो होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, बताया था ना, और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री। अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस में चेंज हो जाए या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस में चेंज हो जाए, तो सिंपल सी बात है कि इसकी डिमांड पे फर्क पड़ेगा। चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, चेंज इन टेस्ट ऑफ कंज्यूमर, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, चेंज इन सीजन एंड वेदर, चेंज इन फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। हो गया, आ गया आंसर, यही तो पता करना था हमें, यही तो बात बतानी थी, सब में क्या वर्ड लगा देना है, चेंज, चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, चेंज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, बस चेंज चेंज लगा देना है, इसी से हमारा सारा काम हो जाएगा। सब में चेंज है, सब में, यहां से लेके यहां तक, इनकी वजह से प्राइस में कोई चेंज नहीं है, इनकी वजह से अगर क्वांटिटी बढ़ जाए, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड इंक्रीज इन डिमांड। आइए जरा इसको डायग्राम से समझते हैं, डायग्राम से क्या कहानी बताता है। मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में एक कंज्यूमर किसी पर्टिकुलर प्राइस पे एक क्वांटिटी कंज्यूम करता था, लेट अस सपोज दैट इस पी प्राइस पे ये क्यू क्वांटिटी कंज्यूम करता था। आज भी प्राइस पी है, लेकिन क्वांटिटी क्या होगी इसकी, मान लो बढ़ गई, क्यू से क्यू वन हो गया। अगर मैं आपसे बात करूं तो पहले डिमांड कर्व इसका ये था, ये इसका डिमांड कर्व था, और इस वाले पॉइंट पे था ये, दैट मींस ओपी प्राइस पे ओक्यू क्वांटिटी कंज्यूम करता था। जैसी किसी और वजह से, प्राइस के अलावा सिचुएशन बदली, इसकी डिमांड बदल गई। जैसे एग्जांपल के तौर पे गर्मियों में सर्दियों के मुकाबले आइसक्रीम ज्यादा बिकती है, तो पहले सीजन सर्दियों का था, अब गर्मियों को आ गया, तो एकदम से प्राइस तो पहले भी वही था, आइसक्रीम 20 रुपए की मिलती थी, आज भी 20 की है, लेकिन क्वांटिटी बढ़ गई, है ना। अच्छा, हो सकता है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइसेस में कोई चेंज आ जाए, हो सकता है, यस और नो? हमारा जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का प्राइस कैसे बढ़ेगा, जरा डिटेल में भी समझते हैं। मैं चाहता हूं डिटेल में भी आप इस चीज को जान लो, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये आपको पता है, इसमें तो कोई चेंजिंग करोगे नहीं आप, या करोगे, बोलो, नहीं ना, कोई चेंज नहीं करोगे आप इसमें। अब मुझे बताओ, मेरे प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ना चाहिए, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स और हमारा प्रोडक्ट जो है उसके बीच में कौन सा रिलेशनशिप होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप। अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइजेस बढ़ जाए, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइजेस किसके, सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइजेस बढ़ जाए तो हमारे गुड्स की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। भाई अगर कॉफी के प्राइजेस बढ़ जाए, तो सिंपल सी बात है, कॉफी पीने वाले छोड़ के किस पे आ जाएंगे, टी पे आ जाएंगे। अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइजेस कम हो जाए, तो हमारे गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। पेट्रोल सस्ता हो जाए, तो हमारे गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाए, डिमांड बढ़ जाएगी। टेस्ट चेंज हो जाए, टेस्ट बेसिकली इसमें इंक्रीज डिक्रीज नहीं लिखते, ये चेंज हो जाए। गवर्नमेंट ने सब्सिडीज, मान लो
सब्सिडी बढ़ा दी या गवर्नमेंट ने, दोबारा लिखता हूं इसको, बिल्कुल ठीक कहा एक बच्चे ने, गवर्नमेंट ने टैक्स कम कर दिया, करेक्ट। अगर गवर्नमेंट ने सब्सिडी बढ़ा दी या गवर्नमेंट ने टैक्स को कम कर दिया, तो सिंपल सी बात है हमारे गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सीजन अगर कैसा हो जाए, चेंज हो जाए, इसमें तो वैसे कुछ नहीं बता सकते, और फ्यूचर में लगता है कि प्राइजेस इंक्रीज हो जाएंगे, तो उस केस में आज की डेट पे ही हम सामान ज्यादा खरीदेंगे, इन इन वजहों से हम सामान ज्यादा खरीदेंगे, इन इन वजहों से हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी। ये डायग्राम था, आपने इस डायग्राम में देखा ध्यान से, अगर हम देखें तो पहले हम कौन से पॉइंट पे थे, पहले ए पे थे, अब ए से किसकी तरफ हो गए, बी की तरफ हो गए। मैं कहूं ये दो पेन है, ये पेन आपस में ऐसा अब इधर से शिफ्ट होके आगे चला गया, तो पूरा पेन ही शिफ्ट हो गया, ऐसे ही यहां पे है। ये डिमांड कर्व पहले डीडी था, अब जैसी डिमांड कर्व नया आया डी वन, जैसी डिमांड कर्व हमारे पास क्या आ गया, नया आ गया, पहले डीडी डिमांड कर्व था, अब डिमांड कर्व क्या आ गया, डी वन, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी हमारी, वो क्वांटिटी बढ़ जाएगी, दैट मीन्स प्राइस तो रिमेन अनचेंज है बट क्वांटिटी बढ़ गई। इसको बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड, क्या बोलते हैं, इंक्रीज इन डिमांड। नोट कीजिए जल्दी से, एक्सपेंशन नहीं इंक्रीज बोलते हैं। पॉपुलेशन तो हमने लिखा नहीं इसमें, भूल गए पॉपुलेशन लिखना, पॉपुलेशन भी लिख सकते थे आप, चलो कोई नहीं। हो गया, ये लिख लिया, हो गया जी, ये डायग्राम बनाऊं, अपने आप बनाइए।
हो गया, बन गया। ये रीजन लिखिए जरा, ये रीजन, इसको बोलते हैं रीजन टू शिफ्ट, रीजन टू राइटवर्ड शिफ्ट, रीजन टू राइटवर्ड शिफ्ट। ऐसे कौन कौन से रीजन हैं जिसकी वजह से डिमांड कर्व हमारा राइट वर्ड शिफ्ट हो जाता है? लिख लिया ये सब? ये तो नोट्स टाइप लिखा है आपने, पेपर में तो हम दूसरे तरीके से लिखते हैं। क्या चल सकते हैं हम आगे? अब आपको क्या करना है, डिक्रीज के सारी चीजें लिख के बतानी है मुझे। जितनी जल्दी आप कर देंगे हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से फास्ट, उसी का अपोजिट होता है डिक्रीज। डायग्राम और बाकी चीजें सब बनानी है जितनी उसमें बनाई है।
हो गया जी, क्या बना लिया आप सभी ने? ठीक है, ये मैंने इसका एक शॉर्ट में लिखा है, चेंज इन डिमांड कब होता है अगर एक साथ आ जाए तो? नॉर्मली होता है चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस, किसी प्राइस के अलावा किसी और फैक्टर की वजह से अगर चेंजेस हुए तो सिंपल सी बात है डिमांड में चेंज आएगा। इसको हम लोग शिफ्ट इन डिमांड कर्व कहते हैं, और ये दो होते हैं इसके अंदर, एक होता है इंक्रीज इन डिमांड और एक होता है डिक्रीज इन डिमांड, जिसको अभी अभी आपने समझा है। डायग्राम बता देता हूं इसका, अगर कंबाइंड डायग्राम हमें बनाना पड़े तो कंबाइंड डायग्राम हम कैसे बनाते हैं? मान लेते हैं स्टार्टिंग में इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये प्राइस है और इस प्राइस पे ये क्वांटिटी है, और इस क्वांटिटी पे हमारा डिमांड कर्व ये है डी डी, और ए पॉइंट पे थे हम। आज भी प्राइस यही है बट किसी और वजह से क्वांटिटी बढ़ गई, ये क्यू वन। जैसी ये बढ़ी तो डिमांड कर्व हमारा शिफ्ट होके क्या हो जाएगा? राइटवर्ड पहुंच जाएगा, शिफ्ट ही हो जाएगा ये, और राइटवर्ड पहुंच जाएगा, ये आ जाएगा डी वन डी वन। मान लेते हैं किसी वजह से प्राइस आज भी वही है बट क्वांटिटी क्या हो गई है? कम हो गई है, दैट मीन्स क्यू टू हो गई है। इस केस में अगर हम बात करें तो हमारा डिमांड कर्व पीछे की तरफ आ जाएगा, ऐसे ही होगा। दैट मीन्स डी टू और डी टू, इस हिसाब से अगर हम चेक करें तो जैसी इधर शिफ्ट हुआ एक बार हम इधर की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे, राइट वर्ड एंड लेफ्ट वर्ड। पहले ए पॉइंट पे थे, शिफ्ट होके बी पॉइंट पे जा सकते हैं हम लोग, या शिफ्ट होके सी पॉइंट पे आ सकते हैं। ओके, राइट वर्ड एंड लेफ्ट वर्ड सिचुएशन नोट डाउन कीजिए। ये लीजिए, हो गया डायग्राम। वेट, डायग्राम आप घर पे बनाइएगा, बना सकते हो? ठीक है, एक डायग्राम राइट वर्ड, एक डायग्राम लेफ्ट वर्ड, इस तरीके से बनना है, आप घर पे कर लीजिएगा। होम फन में जरा देखते हैं क्या करके आना है आपको होम फन में। होम फन में
आपको जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उन सभी को रिवाइज करना है और रीड करना है बुक, ये जरूरी है। ओके 90% सारे कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के खत्म हो गए हैं, एक क्लास फिर भी एक्स्ट्रा लेंगे हम इस पे ताकि जो छोटे मोटे कॉन्सेप्ट हैं उनको अच्छी तरीके से क्लियर कर पाए। ओके मजा आ गया, उम्मीद करता हूं आज वाली क्लास को आप सभी ने खूब इंजॉय किया होगा। कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।